हेलो एवरीवन, मैं हूँ पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टैग पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता है, फ्लिपकार्ट ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में है लेकिन फिर भी आप उसका यूज़ नहीं करते हैं, कुछ आपको ऑर्डर कराना है तो किसी और से आप ऑर्डर कराते हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं अकाउंट बनाने से लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं एड्रेस अपना फिल करना है और किस तरीके से ऑर्डर करना है, और ऑफ़र के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें ऑफ़र का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें अकाउंट हमको बनाना होता है। अब अकाउंट किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो नीचे की तरफ देखिए होम है, शॉप्स है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है और अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पर पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। और अब आप बोलेंगे कि इसमें हमको फिर से ईमेल आईडी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें ईमेल आईडी हमको नहीं चाहिए रहती है, इसमें केवल हमको मोबाइल नंबर चाहिए रहता है जिससे कि आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। तो सबसे पहली बात मैंने बता दी किस तरीके से आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है, केवल आपको मोबाइल नंबर चाहिए अपना वैलिड मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अब बात आती है कि शॉपिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए, होम में हम चले जाते हैं और बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड में हमको आते हैं, बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ भी यहाँ पर देखिए चूज़ हम कर लेते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखिए यहाँ से कपड़े खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, स्पीकर खरीदना चाहते हैं, हैंडसेट खरीदना चाहते हैं, कुछ भी दोस्तों आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए हमने इस पर क्लिक करा है, हमको यहाँ पर ये देखिए कुर्ता एंड पैंट सेट यहाँ पर क्रेप देखिए यहाँ पर पसंद आ रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इसकी शॉपिंग करनी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले देखिए आपने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसमें यहाँ पर आपको कलर दिखाई देंगे, देखिए यहाँ कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए रेड कलर का आ गया है, ये ब्लू आ चुका है और ये ब्लैक आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कलर चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपको कलर चूज़ करना है जो भी आपको पसंद आ रहा है, जैसे कि हमको ब्लैक यहाँ पर पसंद आ रहा है तो ब्लैक कलर हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब आती है उसके बाद साइज की बात कि आपका साइज कितना है, लार्ज है, एक्सल है, डबल एक्सल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं चला तो साइज चार्ट आप ओपन कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर सब कुछ देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये साइज दिया हुआ है। तो शोल्डर है, बॉटम वेस्ट है, बॉटम लेंथ है, ब्रांड साइज है, सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं, जब तक हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप शॉपिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो एक्सल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब आते हैं बाय नाउ का ऑप्शन, तो बाय नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। बाय नाउ पे जैसे हमने क्लिक करा है, अब हम बात आती है कि एड्रेस यहाँ पर किस तरीके से हमको फिल करना है। तो यहाँ पर चेंज हम करते हैं और ऐड ए न्यू एड्रेस पे हम आ जाते हैं। देखिए ऐड ए न्यू एड्रेस हमको करना पड़ेगा, जब आप देखिए पहली बार अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे तो अपना एड्रेस यहाँ पर आपको डालना ही होता है, क्योंकि तो उसी एड्रेस पे आपका ये प्रोडक्ट पहुँचेगा। तो क्या क्या आपको यहाँ पर फिल करना होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर फुल नेम अपना देना पड़ता है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप दे दीजिए। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप वही दे दीजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर चलता है, मतलब जो आपके पास रहता है, क्योंकि इसी से क्या होता है जो भी डिलीवरी बॉय होता है वो आपके पास फ़ोन करता है और आपका एड्रेस पूछता है और आपका प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचा देता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने देखिए अपने घर में किसी भी मेम्बर का आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, जिससे कि अगर आपका नंबर ना लगे तो वो उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड आता है यहाँ पर अपना, देखिए जहाँ पे आप रह रहे हैं पिन कोड वहाँ पता कर लीजिए। पिन कोड यहाँ पर आएगा, स्टेट आप भर दीजिए, सिटी भर दीजिए और फुल एड्रेस अपना यहाँ पर आप दे दीजिए। अगर गाँव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं तो एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए। इतना कुछ देने के बाद दोस्तों एक चीज़ इसमें और होती है, ऐड नियर बाय फेमस शॉप मॉल एंड लैंडमार्क। अब यहाँ पर हमको ऐसी देखिए कोई लैंडमार्क देना पड़ता है जो आपके आसपास कोई क्या होता है हॉस्पिटल हो या मंदिर हो या कोई स्कूल हो, तो उसकी आप लोकेशन दे दीजिए, जिससे क्या होगा जो भी डिलीवरी बॉय होगा वहाँ पर आएगा और आपको कॉल करेगा, फिर आप वहाँ जा सकते हैं या उसको वहाँ बता सकते हैं कि आपका होम यहाँ पर है, इतनी दूर है, आप यहाँ पर आ जाइए। इतना कुछ देना पड़ता है और यहाँ पर आपको सेव एड्रेस करना है और यहाँ पर होम है कि वर्क है आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अगर वर्क का एड्रेस है, होम का एड्रेस है, तो यहाँ पर सेलेक्ट आप होम कर लीजिए, नहीं तो वर्क आप कर लीजिए। उसके बाद सेव एड्रेस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका ये एड्रेस यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब बात आती है कि हमको डिलीवर कहाँ पे करना है। देखिए जैसे हमने बाय नाउ यहाँ पे करना है, देखिए हमने सेलेक्ट कर रखा है, अब कंटिन्यू पे हम करते हैं क्लिक। हमने यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट कर दिया है, कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू में जैसे हम क्लिक करते हैं तो पेमेंट के ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। अब जो मैं आपको बता था कि ऑफ़र किस तरीके से आप चेक कर सकते, देखिए 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का यहाँ पर कार्ड है तो आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको 5% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा या कैशबैक मिल जाएगा।
अब देखिए इसके बाद आप नीचे आए तो आप UPI कर सकते हैं, यहाँ पर पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से अपना शॉपिंग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है कैश ऑन डिलीवरी। आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करिए, जब भी आपके पास प्रोडक्ट पहुँचेगा आप उसको रुपये दे दीजिए और आपकी यहाँ पर शॉपिंग हो जाएगी। तो हम कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमको करना क्या होता है, देखिए आप पूरी डिटेल यहाँ पर देते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी आपको हैंडलिंग फीस यहाँ पर देनी पड़ती है 5 रुपये। अब यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा है तो ये नंबर जो है यहाँ पर आपको फिल कर देना है और कंफर्म ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका ऑर्डर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इतना सा प्रोसेस होता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आसानी से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर इसकी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। केवल ये प्रोसेस आपको अकाउंट बनाना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है अपना प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करना है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और आपका ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है। अब देखना कहाँ पे है, देखिए कि आपका ऑर्डर कहाँ पे, अकाउंट पे आप चले जाइए और यहाँ पे ऑर्डर आता है जैसे ही, तो जो जो आपने ऑर्डर कर रहता है यहाँ पर ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना फ्लिपकार्ट से पहला ऑर्डर कर सकते हैं। और 2023 में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको ये यूज़ करना होता है। आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट से आप किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलता है यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज में।